एक सूचना पर जिला पुलिस और आईटीबीपी की टीम जो चौकी जोब है उसका एक गांव कटेंगा है वहां पे एम्बुश के लिए निकली थी। रात्रि 11 बजे एक्सचेंज ऑफ फायर नक्सलियों के साथ हुआ और एक्सचेंज ऑफ फायर करीबन 7 से 10 मिनट तक चला। उसके बाद जब एरिया को सर्च किया गया तो वहाँ पर कुछ पिट्ठू और ब्लड स्टेंस मिले। उसके आधार पर पुलिस पार्टी सर्च कर रही थी और मॉर्निंग में उस पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए और भी पार्टियाँ राजनांदगांव गांव से भेजी गई और सुबह जो ब्लड के निशान और जो हमें सूचनाएं मिल रही थी उसके आधार पे जब सर्चिंग की जा रही थी तो ग्राम खोबा में डेविड घायल अवस्था में पुलिस को देख के भागने लगा तो उसको जब पकड़ा गया और उसकी जब पहचान कराई गई तो वो मिलिट्री प्लाटून नंबर 1 का कमांडर डेविड निकला और फिर मौके से एक AK-47 एक पिस्टल वॉकी टॉकी और एम्यूनेशन और काफ़ी सारे जो नक्सली साहित्य मेडिसिन और दैनिक उपयोग की सामान काफ़ी सारे सामान मिली और जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार से 8 लाख का, मध्य प्रदेश से 5 लाख और महाराष्ट्र से 16 लाख का इनाम है। इस प्रकार 29 लाख का इनामी है। साथ साथ में ये डिविजनल कमेटी रैंक का भी है तो ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक उनकी पूरी टीम को, आईटीबीपी, डीआईजी उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएँ देता हूँ।